मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिस कॉल जरूर देना। ओके। टुडेज लेक्चर एसएपी टुडे रेवेन्यू सबमिट्स टोटल 99 टोटल सेगमेंट्स फॉर द ईयर 99। आपको किसने मिस कॉल दिया सर? मिस कॉल करने वाले से अगर बात करना चाहें तो मेरे नंबर से बात कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, अभी मेरे मोबाइल में बैलेंस है। स्टूपिड ओ, ओ, इतना ध्यान जरा पढ़ाई पे लगाओ, बैठ जाओ, बकवास करता है। मेरे आने तक सब लोग नोट कर लो। ओके, आई विल कम, बैटरी चार्ज करके आता हूँ। अब लेट क्यों हो गए? क्लास में एक बच्चे को डांट रहा था डार्लिंग। अच्छा, ये बात है। इस साड़ी में पता है कितनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ, सच में। क्या हुआ, चार्ज हुई कि नहीं? शट अप, मजाक करते हो? मैं तो बैटरी की बात कर रहा था। इडियट, लगता है चक्कर चल रहा है बुढ़ाओ का। मैंने जो कहा था नोट कर लिया? यस सर। ओके गुड। हाँ, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट। सर एक नोटिस आई है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। इट्स अ गुड नोटिस। तुम सबके टैलेंट का टेस्टिंग टाइम है। नेक्स्ट मंथ हमारे कॉलेज की एनिवर्सरी आ रही है, उस एनिवर्सरी में आप सबको मिलके एक इवेंट तैयार करना है। अच्छा सर, ये इवेंट क्या होता है? तुम्हें इवेंट पता नहीं है क्या? स्टूपिड, इवेंट मतलब कोई कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखे उसे गाना या नाटक की तरह रेडी करना होता है। सर मेरे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, बताओ सर। ओके सर, बताओ। टेल मी। एक बहुत अच्छा कॉलेज। गुड। उसमें सब आदर्श स्टूडेंट। उसमें जोकर की तरह दिखने वाला एक बेवकूफ सा लेक्चरर है। उस लेक्चरर का एक लेडी लेक्चरर के साथ गलत संबंध है सर। ये बात जान के स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर ये बात बाहर फैल गई तो कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने दोनों लेक्चरर को पेट्रोल डाल के चला दिया। तो सर कैसा लगा मेरा कॉन्सेप्ट? तेरे थोपड़े जैसा है तेरा कॉन्सेप्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। रोमियो जूलियट, देवदास पारो या लैला मजनू, इस तरह के ही मोस्ट एक्साइटिंग। मिस्टर ब्रह्मा, बकवास बंद कीजिए। आपने जो भी नाम बताए वो सब बहुत मशहूर प्रेमी थे, लेकिन हारे हुए प्रेमी। आज के जमाने में कोई सच्चा प्यार नहीं करता, नाटक करते हैं। इस बकवास प्यार पर आप हमें प्रोग्राम करने के लिए कह रहे हैं? हमें क्या करना है हमें पता है, आप बस अपना काम कीजिए। तुम्हें तो प्यार से नफरत है ना, और मैं भी न जाने क्या क्या बोले जा रहा हूँ। हमें प्यार मोहब्बत से क्या लेना देना, चलो पढ़ाई की बातें करते हैं अब आगे, है ना? इट मींस तूने मेरी इंसल्ट की, वो भी सबके सामने, खास तौर से लड़कियों के सामने। इसके लिए मैं तुझे देख लूंगा। क्यों मिस्टर ब्रह्मानंद, जब देखो तब आप बाथरूम के आजू बाजू घूमते रहते हैं सर। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे ना तो हमारे कॉलेज की बहुत बदनामी होगी। अपने बाथरूम जाने पर कंट्रोल कीजिए। ये कोई मिशन है सर? अगर लोगों को आएगी तो जाना तो पड़ेगा ना सर। थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। सॉरी, मैं कोशिश करूंगा। आप उस राजा को कंट्रोल में करो, उसकी हरकतें रोज बढ़ती जा रही है, वो कुछ ज्यादा ही ओवरस्पॉन्ड बन रहा है सर। उसे अपना काम करने दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपके सपोर्ट से तो बहुत उछलता है। अच्छी पढ़ाई करने वाले को सपोर्ट करना ही पड़ता है। पता है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ? जितनी मेरी अक्ल है उस हिसाब से मुझे यहाँ पे नहीं अमेरिका में होना चाहिए। वो लोग तो टॉयलेट जाते होंगे ना। मैं यहाँ पे आपके लिए, इस देश के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं इतना शरीफ आदमी हूँ कि मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पे कुदवा रखा है राजा। मैं तुम लोगों को नई सीख देता हूँ, फिर भी इतना सब करने के बावजूद भी कुछ बंदर लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाकर मेरी बहुत इंसल्ट की, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी अच्छाई मेरी पहचान है। कमॉन, सवाल चाहे कैसा भी हो, सवाल पूछो। फायर द क्वेश्चन। सर मुझे छोटा सा डाउट है। डाउट? हाँ। इधर आजा, जरा से संभाल। तुम कौन से ग्रुप से हो? मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। मैकेनिकल? तो यहाँ पे क्या? दोबारा बताना। कमॉन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सर, इतनी देर से यही पे है, बैटरी चार्ज नहीं कर रही है क्या? ऑलरेडी ऑन करके ऑफ कर दिया। आ गया बड़ा। ए जरा मेरी तरफ देखो तो सही, क्या हुआ? अभी तक मिस कॉल नहीं आया, किसी और को तो नहीं दे दिया उसने?
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नए ऑफिस में कम्युनिकेशन डेवलप करना हो तो क्या करना चाहिए? अगर नए ऑफिस में कम्युनिकेशन डेवलप करना है देयर इज अ मेथड, बस उसे ही अब देखना कैसे भागेगा। ओके अभी अर्जेंटली बाथरूम जाना है, अभी आता हूँ मैं। ओके सर 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 आप कहाँ जा रहे हैं सर? अरे भाई मैं बाथरूम जा रहा हूँ। अभी तो होकर आए सर आप। अरे क्या मैं दोबारा नहीं जा सकता? लग गई तो मैं क्या करूँ अभी? राजा के सवाल का जवाब देकर जाइए ना सर। बात को समझ, हमें भी अर्जेंट है सर। अरे छोड़ नहीं और समझ। अरे यार सर आप थोड़ी देर हमारे लिए कंट्रोल नहीं कर सकते सर? इस पॉइंट में निकल जाएगी, समझा करिए। और आ गया आ गया। जानू मैं ताजमहल में नहीं टॉयलेट में वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। उसे ताजमहल समझ लो। बदबू सही नहीं जा रही, जल्दी आओ ना। हटो, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना यार। आता हूँ। पसीने की बहुत बदबू आ रही है, पहले क्लासरूम में जाके नई शर्ट पहनता हूँ, फिर जा। बेटी जरा बाहर जाओगी, मैं जरा टॉयलेट साफ कर दूँ। इसे बाद में साफ कर देना, अभी बाहर जाइए। प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि टॉयलेट से बहुत बदबू आती है, अगर मैंने सफाई नहीं की तो मेरी नौकरी चली जाएगी ना बेटी। वैसे एक बात बताओ, कुछ लोगों को पेट्रोल की बदबू अच्छी लगती, कुछ लोगों को मिट्टी की खुशबू अच्छी लगती, कहीं तुम्हें ये टॉयलेट की बदबू तो अच्छी नहीं लगती? बकवास बंद करो और अपना काम करो। ये भगवान तेरा सत्यानाश, अरे कोई मुझे बचाओ, ये इज्जत लूटने आया, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत तो दांव पे लग गई, ये कमीना साला मेरी इज्जत लूटना चाहता है, हे भगवान अब मेरा क्या होगा? ए, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अब उस कुकर को मैं कैसे अपने मुंह से बोलूं, अंदर जो कुकर में बैठा है उसी से पूछ लीजिए। अंदर कौन है, बाहर आओ जल्दी, बाहर आओ। छी इतना घटिया काम करते हैं, लेक्चरर होकर ऐसा काम करते हैं सर? एक जिम्मेदार लेक्चरर होकर भी तुम कॉलेज में ऐसा काम करते हो? कॉलेज के बाहर कर सकते हैं क्या? शट अप, व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन? वो क्या है ना यहाँ, नो मोर एक्सप्लेनेशन। अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? जानवरों की तरह कुकर में मत किया करो। क्यों सर आप यही कहना चाहते हैं? बंद कर बे, तू क्या इनका चेला है? माइंड योर लैंग्वेज। तुम मुझे केबिन में आकर मिलो, तुम जाकर साफ सफाई करो, तुम लोग जाओ अपने अपने क्लास में। चल रहे, व्हाट योर क्लास? हेलो मिस्टर ब्रह्मा, कॉलेज आते पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। ये जो आप कर रहे हैं ना, ऐसे कुकर्म करने के लिए नहीं। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मुंह से नहीं बोलूंगा, सीधा काट डालूंगा। जाओ। अरे रघु ये उल्टा होकर क्यों पी रहा है? पीने के बाद सारी चीजें उल्टी दिखती है ना, इसीलिए मैं उल्टा होकर पी रहा हूँ ताकि सारी चीजें सीधी दिखे। सिंपल मामा। देखना ये फंक्शन खत्म होने तक ये नहीं। सुनो मेरे बंधु रे, सिलेंडर इधर आ। क्या हुआ, मामा ने देने से मना किया? के बात नहीं कर रहा भाई, हमेशा कहते हैं ना। क्या कहते हैं? सबको समान नजर से देखो। नेचुरली सारे क्लास में एक समान दारू होनी चाहिए ना। क्या इसमें देख, इसमें ज्यादा है। हाँ ये तो है, अब इसमें ज्यादा हो गया। अभी देखा ना, अब सारे ग्लास एक समान दिख रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात कही ना मैंने। जल्दी चल वरना डांस प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। चल तो रहो सर। भाई आप सही? नमस्कार सर। हाँ सुन शमिया, आज रात को तैयार रहना, आ रहा हूँ। हाँ ट्रेन क्या, हवाई जहाज से आ रहा हूँ मैं तेरे लिए। हाँ मुंबई से तेरे लिए क्या लाना है बता? अरे तू कहे तो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया उठाकर ले आऊं तेरे लिए। जैसे लोग तुम्हें ले जाने देंगे। तो चुप कर बे, रात को तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। अरे कौन है रे, जबरदस्ती घुसा जा रहा है? इंट्रोडक्शन नहीं दोगे तो यही होगा भाई। ये तो चुप कर, हो गया ना। मेरा नाम सुनील है, लेटेस्ट और यंगेस्ट एमएलए इन वेस्ट मुंबई का रे। अंदर डांस का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया क्या? डांसर क्या करेगा, तुम तो खुद ही डांस कर रहे हो। मेरा जनरल नॉलेज इतना वीक है ऐसा मत सोचना, इस तरह बड़े बड़े फंक्शन में महबूबा। हम भी बचपन से फिल्म देखते आ रहे, ऐसे वैसा मत समझना क्या। हमारे बाबू राव जी को साथ में फूल रखने वाले मर्द पसंद नहीं है? मेरे भाई को तो पसंद है। अरे वाह, पहले अपने हाथ से गजरा हटा ले वरना मेरे भाई ने देख लिया ना। तो क्या गजरा निकाल देंगे? यहाँ से हाथ काट लेंगे भैया। मतलब अंदर सारे मुर्गे हैं? मुर्गियाँ नहीं है? नहीं नहीं, अब जा। तुम लोग एक बात जानते हो? कौन सी बात? रोज एक फूल लगाओ तो बुढ़ापा नहीं आता। वो कैसे भाई, उससे पहले ही मर जाते है ना। ये लोग कौन है, ऐसे क्यों घूम रही है? कहाँ मटक रही हो? हमें बाबूराव सरकार से मिलना है। भाई को औरतों की खुशबू पसंद नहीं है, इसीलिए सेंट लगा कर आए। ओहो
आपने नहीं लगाया? मुझे उसकी जरूरत नहीं। अच्छा? कौन हूँ पता है? डीसी साहब की वाइफ। उनके पति ने फोन करके परमिशन ली थी। मामा जी, मुझे देखकर आपको क्या लगता है बताइए? अरे शादी नहीं हुई, वरना तीन चार बच्चों के बाप होते तो। सुन रहे मामा जी की आंखों में लगता है कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई, चश्मा बदल दो इनका। हुआ क्या, ये आते आते शीशा क्यों देखने लगा? अरे वाह वाह, जैसे मैं दारू की बोतल नहीं छोड़ता वैसे आईना नहीं छोड़ने वाले। अरे आखिर हुआ क्या? उस लड़की ने भाई को देखकर आप 30+ लगते हैं कह के चने के पेड़ पे चढ़ा दिया। वो मुर्गी भाई को नए तरीके से पटा रही है ऐसा लग रहा है। ये तो अच्छी बात है, उसकी वजह से कम भांजे का घर तो बसेगा।